सो गाइस फ्री फायर 2017 में आपका लॉबी एंड कैरेक्टर्स कुछ इस तरह दिखते थे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। और भाई क्या हालचाल सबके, कैसे हो सब। सो गाइस ये वीडियो होने वाली है पार्ट टू ओल्ड मेमोरीज की। सो अगर अभी तक आपने पार्ट वन को नहीं देखा है सो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर डायरेक्टली देख सकते हैं, ठीक है ना। सो गाइस जब मैंने पार्ट वन डाला था ना इस टॉपिक का, तो मेरे को देखने को मिला कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये वाली वीडियो काफी अच्छी लगी और आपने बहुत ज्यादा शेयर भी किया है, ठीक है ना। सो गाइस इसलिए मैं इस टॉपिक का पार्ट टू लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ 2017 का या फिर 2018 का बहुत ही पुराना गेम प्ले, मतलब पहले का फ्री फायर कैसा था, और मैं कोशिश करता हूँ कि आप सबकी पुरानी यादें ताजे हो जाएं, जो आपकी गोल्डन मेमोरीज रहती है वो आपकी ताजा हो जाए, ठीक है ना। सो गाइज आज मॉर्निंग में मैं अपने चैनल को देख रहा था, सो वहाँ पे मेरे को देखने को मिला कि आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे कंटेंट को पसंद करते हैं, मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल में अच्छा अच्छा कमेंट भी करते हैं, लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया। क्यों नहीं दबाया यार, किस जन्म का दुश्मनी निकाल रहे हो? क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओगे ना तो तुम मेरा दोस्त ये। सो गाइज अगर आपको सही में मेरा कंटेंट इतना अच्छा लग रहा है, आप देख रहे हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर इस वीक में 50,000 सब्सक्राइबर्स हो गए सो आप सबके लिए कुछ बहुत ज्यादा स्पेशल आने वाला है, ठीक है ना। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहाँ गए वो दिन जब कुछ भी पे टू विन जैसा नहीं था, जब कुछ भी गन स्किन्स नहीं थे, जब कुछ भी अलोक नहीं था, सब लोग भाई बहन की तरह रहते थे, सब कुछ इक्वल था और सब लोग को एक जैसी चीजें मिलती थी। सो गाइस पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप में से बहुत सारे लोग मेरे को पूछ रहे थे कि आखिर ये कौन सा कैरेक्टर है, ये क्या कैरेक्टर हटा दिया गया। सो गाइस कुछ भी अलग नहीं है, ये आपका एडम कैरेक्टर है, बस इसका जो होलिया है ना, मतलब फेस स्ट्रक्चर है, वो अपडेट के बाद काफ़ी चेंज कर दिया गया है। सो गाइस आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा इसलिए मैं बता देता हूँ कि आज से 2 से 2.5 साल पहले, मतलब 2.5 ईयर्स पहले कोई भी कैरेक्टर नहीं था, सिर्फ डिफॉल्ट कैरेक्टर्स थे, मतलब एडम और ईव, मतलब जो लड़के थे वो एडम से खेलते थे और जो लड़कियां थी वो ईव से खेलती थी। ऐसा नहीं कि आजकल के अपडेट में मतलब हर 10 दिन में एक नया कैरेक्टर आ गया, हर 5वें दिन में एक नया हाथी घोड़ा आ गया पेट के नाम पर और अपडेट के नाम पर। सो गाइस मैं खुद इस गेम को मतलब फ्री फायर को 2.58 से खेल रहा हूँ, ठीक है, सो मेरे को ऑलमोस्ट सब कुछ पता है। सो गाइस जब गेम लॉन्च हुआ था सो उसके पहले 1-2 महीने में कुछ भी कैरेक्टर्स नहीं थे, सारे लोग मतलब सबके सब एडम और ईव से खेलते थे, कभी एडम ले लिया कभी ईव ले लिया, जैसे जैसे चेंज करते रहते थे। फिर क्या हुआ, 2 महीने बाद एक अपडेट आया, आई थिंक 100 MB का, मुझे उतना अच्छे से याद भी नहीं है, 100 MB का अपडेट था। सो उस अपडेट में आया था हमारा पहला कैरेक्टर, हाँ हमारा पहला कैरेक्टर जो था एंड्रयू। सो उस वक्त एंड्रयू का काफ़ी डिमांड था, उस वक्त डायमंड वायमंड कुछ नहीं था, सब बस गोल्ड में फ्री में मिलता था। सो गाइस आप में से जितने भी पुराने प्लेयर्स हैं उनको पुरानी यादें ताज़ा हो गई होंगी, मतलब पुरानी फीलिंग आ गई होगी कि कैसे हम कितना मेहनत करते थे 5000 गोल्ड कलेक्ट करने के लिए ताकि हम एंड्रयू को खरीद सकें। और उस वक्त एंड्रयू को खरीदना 5000 गोल्ड से एक बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा भूया करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा गेम खेलना पड़ता था और टॉप 3 में आना पड़ता था। सो गाइस उस वक्त की बात ही कुछ और थी जब हम लोग इतना मेहनत करके गोल्ड और पैसा कलेक्ट करते थे। सो गाइस 2017 के फ्री फायर में आपके पास कुछ भी बंडल्स नहीं थे, आपके पास कुछ भी क्लोथ्स जो थे वो परमानेंट नहीं थे, जो भी आपको कपड़े मिलते थे वो आपको मिलते थे 3 या 4 दिन के लिए, जब आपका लेवल 5 से 7 होता था, 8 से 9 होता था, या फिर धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता था, ठीक है ना। तो गाइस जब एंड्रयू कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया था गेम में सो उसके साथ एक बंडल भी लाया गया था, मतलब उसका डिफॉल्ट बंडल, जैसे ही आपका XP बढ़ेगा सो आपको वो बंडल मिल जाएगा। सो वो था पहला बंडल जो मेरे को मिला था और आप सबको मिला होगा, क्योंकि वो पहला बंडल था गेम में जो सबको परमानेंट मिला था। तो गाइस जब मेरे को ये बंडल मिला था ना, मेरा रिएक्शन कुछ इस टाइप का था। सो गाइस ये वाला बंडल, मेरा पहला बंडल मेरे को जब मिला था ना, मैं इतना ज़्यादा खुश हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं इतना ज़्यादा खुश हो गया था कि मैं इस बंडल को मिनिमम 1 मंथ पहना था, ये सोच के कि मैं अब प्रो बन गया हूँ, अब मैं सारा गेम भुया मार लूँगा, सारे एनिमीज को 1 मिनट में मार दूंगा। सो गाइस पहले का फ्री फायर और सबको 2017 का फ्री फायर क्यों अच्छा लगता है ना, मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस पहले के टाइम में जब भी आपको कोई भी कपड़ा या फिर बंडल परमानेंट मिलता था ना, तो आप उसकी एक वैल्यू देते थे, आप उसको रिस्पेक्ट देते थे। ऐसा नहीं कि आज की तरह हर दूसरे दिन में एक बेकार से अपडेट आ गया, उसमें एक फालतू कपड़े आ गए, फालतू बंडल आ गए, जिसके लिए आपको खरीदने के लिए खुद का पैसा लगाना पड़ रहा है, डायमंड खर्चा करना पड़ रहा है। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, पहले सब कुछ फ्री मिलता था, सबको एक जैसा मिलता था और सब कुछ गोल्ड में मिलता था, इसलिए पहले का गेम इतना अच्छा था। पे टू विन नहीं था, पे टू विन ऐसा सिस्टम ही नहीं था, गन स्किन्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था।
सो गाइस मेरे को अभी भी याद है कि जब मैंने गेम को डाउनलोड किया था मेरे को मिनिमम 2 से 3 दिन लग गया था इस गेम को सीखने में, इस गेम को समझने में कि आखिर इस गेम में हो क्या रहा है भला, क्योंकि मैंने ऐसा गेम पहले कभी नहीं खेला था। मैंने हमेशा क्लैश ऑफ क्लैंस खेला था या फिर पीसी गेम्स खेले थे। सो गाइस मेरे को अभी भी याद है कि चौथे दिन, जी हाँ चौथे दिन मैंने अपना लाइफ का पहला भुजिया मारा था, वो भी 19 किल्स के साथ। मेरे को 19 किल्स इसलिए याद है क्योंकि मैंने उसको स्क्रीनशॉट लेके अपने व्हाट्सएप स्टोरी में डाला था, ये लिख के कि मतलब मुझे कितनी हंसी आ रही था ये लिख के कि पहला भुजिया 19 किल्स के साथ अब मैं प्रो बन गया, मैंने ऐसा कुछ लिख के डाला था। सो गाइस मेरे साथ जितने भी पुराने प्लेयर्स हैं उनको पुरानी यादें ताज़े हो गई होंगी, उनको पता चल गया होगा कि हम जब पहले भुजिया मारे थे तो हम कितना ज़्यादा खुश होते थे, उसकी कितनी ज़्यादा वैल्यू थी एक सिंगल भुजिया की, भले वो रैंक हो या क्लासिक हो। तो गाइस आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी कि आखिर रैंक गेम्स या फिर रैंक मोड कौन से सीजन में लाया गया था, ठीक है ना। सो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि रैंक गेम्स और रैंक मोड इंट्रोड्यूस किया था सीजन 2 में, मतलब जब हिप हॉप बंडल वाला एलाइट पास आया था ना, वो पिंक कलर का आप सबका फेवरेट, उस वक्त आया था रैंक गेम, और उससे पहले लोग सिर्फ क्लासिक खेलते थे भुजिया के लिए और मजे के लिए। सो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सीजन 2 में जब रैंक गेम्स आए थे सो उसके बैनर कैसे दिखते थे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि मैं 2 साल से गेम खेल रहा हूँ। सो गाइज ये है हमारे फ्री फायर गेम के सबसे ज़्यादा रेयर बैनर्स सीजन 2 के और सीजन 3 के, कुछ इस तरह दिखते थे आपके सिल्वर गोल्ड और प्लैटिनम, ठीक है ना। सो गाइज अब मैं को दिखाता हूँ सीजन 3 के। सो गाइज सीजन 3 के सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम और डायमंड 4 है मेरे पास, हीरोइक के नहीं है क्योंकि मैं उस वक्त उतना ज़्यादा गेम नहीं खेलता था और मैंने गेम को उतना सीरियस भी नहीं लिया था क्योंकि मैं तब सिर्फ 1 GB रैम वाले मोबाइल पर खेलता था। और गाइस एक चीज़ बोलने में मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि इस वीडियो को जितने भी पुराने प्लेयर्स देख रहे होंगे मेरे साथ उनको अपना पुराना टाइम याद आ गया होगा, मतलब बोलते हैं ना गोल्डन मेमोरीज, वो याद आ गया होगा। और जितने भी न्यू प्लेयर्स इस वीडियो को देख रहे हैं कोई बात नहीं, आपको इस सब के बारे में कुछ नहीं पता होगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि सीजन 2 और सीजन 3 के बैनर्स आखिर ऐसे दिखते थे और वीडियो में आपको गेम प्ले और ग्राफिक्स देखने को भी मिल ही रहा है। सो गाइस क्या किसी ने भी नोटिस किया कि आखिर हम किस जगह पे हैं? जी हाँ गाइज, हम हैं फैक्ट्री में। आई एम श्योर आपको पहचान में नहीं आ रही होगी क्योंकि अभी की फैक्ट्री और पुरानी वाली फैक्ट्री पूरी चेंज हो चुकी है। अभी की सीढ़ियाँ कितनी मोटी हैं और पहले की सीढ़ियाँ एकदम पतली सी थी, ठीक है ना। बाहर का भी इंटरफेस पूरा अलग है, अभी का इंटरफेस तो पता नहीं अजीब सा कार्टून जैसा कर दिया गया है। सो ये सब देख के जितने भी पुराने प्लेयर्स हैं आपको अपनी पुरानी यादें ज़रूर याद आ गई होंगी और न्यू प्लेयर्स को देखने का मौका मिला होगा कि आखिर न्यू फैक्ट्री और पुराने फैक्ट्री में क्या क्या डिफरेंस थे। सो गाइस आप में से कितने लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो गई, कमेंट करके ज़रूर बताना क्योंकि मैं सारे कमेंट को पढ़ता हूँ और रिप्लाई देने का ट्राई करता हूँ, ठीक है ना। सो गाइस अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जो आप देख के बिल्कुल शॉक हो जाओगे। तो गाइस आप सबको पता होगा कि रिसेंट अपडेट में एक न्यू गन लाया गया है डेजर्ट ईगल, जो आपको सिर्फ क्लैश स्क्वाड में मिलता है। लेकिन गाइस मैं आपको बता देता हूँ ये जो गन है ना डेजर्ट ईगल, ये गन ऑलरेडी गेम में था 2017 के फ्री फायर में, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से इस गन को हटा दिया गया, मतलब डेजर्ट ईगल को पूरा गेम से हटा दिया गया और फिर से 2020 में रिसेंट अपडेट में इस गेम गन को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब क्यों हटाया, किस रीजन के वजह से हटाया, ये अभी तक अननोन है और किसी को भी नहीं पता है। और गाइज ये रहा 2017 का फायर करने का एनिमेशन।